रामचंद्र भगवान की। हनुमान जी महाराज माता सीता री गोदरे में भगवान राम जी ना नाम री अंकित मुंदड़ी डारी है और माता जानकी भी मुंदड़ी ने देखे और मन में विचार करे और बाबा तुलसीदास जी महाराज चौपाई लिखे और कहे मुंदड़ी ने देख करके और सियाजू है जो विलाप भी करे अरे देखी मुंदरी का अरे अति रे अरे चकित चितव मुंदरी पैतानी ए अरे
भोले सिया पति रामचंद्र भगवान की। देखी मुद्रिका के अति मनोहर और राम नाम अंकित अति सुंदर। भगवान रो राम जी रो नाम भी मुंदरी मत है जो बड़ो भारी अंकित है और सीता जी एक बार तो है जो हमारा खुशी हुए बा मुंदरी में देख करके और एक बार है जो शोक प्रकट करे। चकिती तवे मुंदरी पहचानीरा सीता दी चकित होकर के और भी मुंदरी ने पहचानी है। चकित तव मुंदरी पहचानी आरी के हर्ष विषाद हृदय अकुलाने। और सीता जी फिर विचार करे जीती को सके अजय रघुराई, क्योंकि भगवान को जितनी कौन महाराज वो अजय है अमर है अविनाशी है उनका कभी है जो महाराज विनाश है नहीं। जीती को सके अजय रघुराई और माया ते के असी रची नहीं जाई। अगर जे कोई राक्ष माया को रचे है तो भी रच नहीं सके। सीता विचार करी मन नाना जद के मधु वचन बोले है हनुमाना। हनुमान जी महाराज सीता जी मन में नाना प्रकार रहा है जगह विचार आने लग गया और हनुमान जी महाराज भी तुरंत अशोक दरखतों नीचे धुरिया। बांदरों धुरी है महाराज उतरे गोन ही दो और सामने माता ने जाकर के प्रकट हुआ और माता ने जाकर प्रणाम करियो। बोले मैया चिंता मत करना आ मुंदड़ी जगह हूँ लाइ। सीता जी कहे तू कौन है राक्षस अबार माथो लगाऊता गया है। हनुमान जी आप परिचित दे। बोले मैया हाँ वानर कुल में मारो जन्म है भगवान राम जी मैं दूत हूँ अंजनी रो पुत्र हूँ और हनुमान मारो नाम है और थारो पतो लगाने वास्ते मैं लंका में आयो हूँ। सीता जी क्यों की बातों करे अबार क्यों राक्ष मासो लगाऊता गया है बिना पूछ रहा यार थार क्यों आदो एक लांबो है जो पूछ बड़ लटके है। तो सीता जी हनुमान जी ने कहीं कहे और कई बात बने देखो ओ तेरा दुर्बल बोत शरीर अरे कोनी में पिछाणो तेरा
ना तो होए मथा अरे पूरी अयोध्या में ना तो होए पूरी अयोध्या तो मैया ना कर तू मुक्की तीरा कोनी में मिठा
हनुमान जी ने सीता जी के कि थारो इतो छोटो शरीर है ए तू छोटे मुंडे मोटी बात कह कर तकियो पे बता अरे तेरा दुर्बल बहुत शरीर है अरे के मैं ना पिछाणो रे अरे देख कुछ हूं है जो को थार माथे की विश्वास करूं तो मैं तन भगवान राम जी हाथ कदी देखियो कोन अरे सर जन महाराज कहे के ना देखियो तन पूरी अयोध्या और ना सरजू की कीरा अरे के नहीं देखियो तन संग राम जी तो है कोई छल गिरा तू कोई जो कपट है। हनुमान जी महाराज के माता बात बात थोड़ी ठीक है क्यों कहे ना तो हो मैं पूरी अयोध्या और ना सरजू की तीरा वन में सागो मारे हुई हो रामरो जो को पंपापुर की तीरा भगवान राम जी रो और मारो मिलन पंपा सरोवर हुई हो यार भी पहला रावण था पंचवटी में ले आयो थे मन कर तक दे गया जन सीता जी का एक बात और है बोले कहीं कह प्रथम भी समुद्र की 100 योजन की मर्याद है उपकर कोई आ कौन सके जे आवे तो बीच में बा रक्त सिरे सिंह का बा उड़ते पंछी ने मारे मारा तू कि आयो काई फरदा भाई काई यो अच्छा सिंह जिनके 100 योजन मर्याद समझ की तू किस विधि लांगा यो तीरा अरे समुद्र में एक राक्षसी कही के उनका लंबा है शरीर हनुमान जी क्यों चिंता मत करो माता हूँ लार लो रस्तो अगलो क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि आ कोई मारी करामात कोनी भगवान राम जी की मेहरबानी है प्रभु की दया से सागर उतरियो और कह मैं क्षण में लांगा यो तीरा अरे अंजनी रो पुत्र श्री राम जी रो पाइक में हनुमत बल लीरा जन हनुमान जी महाराज के राम मोहिले माता राम जी बिरादे भी सबने बनावे धीरा तुलसीदास धरो धीर जान की तो के आवत है रघुवीरा जानकी रो नाम लियो जन सीता जी ने कुछ विश्वास हुयो पण महाराज की विश्वास वेर की डिगू बीच हुए जन हनुमान जी महाराज बड़ माता जानकी ने भगवान राम जी रा समाचार सुनाया है जन सुन करके और सीता जी ने कुछ विश्वास हुयो है और महाराज हनुमान जी महाराज अब कहे बोले माता मैं जगी टेम्बर में रवाना हुई हो बी टेम्बर में इसी में प्रतिज्ञा करी बांद्रा
के महाराज जिते हूं माता रा दर्शन नहीं करूं जिते कुछ है जो खाऊं पीऊं को अब मैं थारा दर्शन कर लिया ई रावण वाला वाग रे मां जा रहूं है जो कुछ की हीरा उन्होंने कर लो पंग कह दो तो हनुमान जी ने माता जानकी जगो बल बुद्धि में निपुण जान करके आज्ञा दी है और हनुमान जी महाराज बाग में आया क्यों कम थोड़ी समय रो अभाव और दो वजन अपन है भाई बलदेव जी रवि अपन सुनना जरूरी है फिर वास्ता अपन सूक्ष्म समय मां लेकर के और हम चितमास ने जगो आठ विसर्जन करा हनुमान जी महाराज बाग में आया और बाग में आकर के और बाग उजाड़ियो और अक्षय कुमार ने मारियो और जो अक्षय कुमार भी मृत्यु सुनी रावण है जो मेघनाथ ने भेजे है तो मेघनाथ हनुमान जी महाराज ने ब्रह्म फांसो बंधित करे और ब्रह्म फांसो बांध करके रावण के सामने आदर करे वो थी ब्रह्मा की फांस वो था प्रभु का दास पकड़ बलदाई अरे वो भर मन में अहंकार सब बिक जाई जा बैठे थे दस शीस भुजा थी भी शरी सतन चाई अरे तू है बंदर अज्ञान मौत तेरी आई तेरा तपस्वी कब आएगा तेरा आज प्राण जाएगा रे मूर्ख तुम पछताएगा फल भरणी का पाएगा वो थी ब्रह्मा की बांस वो था हरि का दास के पकड़ बलदाई अरे वो भर मन में अहंकार और सभा भी चलाई जहां बेटे नफीस भुजा थी बीस के रीस तन छाई अरे तू है बंदर अज्ञान के मौत तेरी आई रावण हनुमान जी ने कह तेरा तपस्वी कब आएगा थाल अबे तपस्या तन कने काम दई तेरा क्यों प्राण आज जाएगा और मूर्ख तू पछताएगा तो के फल करनी का पाएगा तो हनुमान जी रावण जी सभा रमा और बलदेव जी वे धड़क राम सो जवाब करे महाराज क्यों के महाराज लारे धनी लौटो है पावर लौटो है महाराज हाँ सत रावण बोले है वाणी क्योंकि हम सुमेरो अभाव है घनी पण मैं बातों तो है सुंदरी पण हम कही जे कौन बीती बात आप दादा जन हनुमान जी महाराज रावण के सामने बेधड़क जवाब करे तो रावण कहे ई बांदरे ने आप आए जी की मृत्युदंड दे जन बड़े विभीषण जी महाराज कहे के ओ दूत है और दूत ने मारनो बीकी सुंदरो दे इन कोई छोटो मोटो अंग भंग करके दंडित करके और अठो है जगो निकाल दो जन हनुमान जी रावण के बांदरे ने जो पूंछ बहुत प्रिय है इरी पूंछ जड़ाओ क्योंकि कपी की ममता पूंछ पर कपी की ममता है जी महाराज पूंछ रे माता है हनुमान जी विचार और दुष्टार कोई वो करे माते माता शारदा बिराजी है जो को त्रिजटारो बोल पूरो होनो है हनुमान जी री पूंछ रे अग्नि लगाई है रुई और तेल प्लेट करके और हनुमान जी महाराज फिर के लंका ने जो जलाई है पूरी लंका ने जलाई दी अर महाराज एक विभीषण जी महाराज की कुटी जगी बचाई दी और अब हनुमान जी महाराज लंका ने जला करके समुद्र माथे आया बट पूछ बुझाई और माता जानकी कने वाग में आया और माता सियाजू हनुमान जी महाराज ने अष्ट सिद्धि बट नव निधि रो वरदान दियो अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता अश्वर दीन ज्ञान की माता जानकी दिया हनुमान जी को और हनुमान जी महाराज चुड़ामणी लेकर के और बटो रवाना भैया माता सीता जी रो ध्यान और भगवान राम जी कन आया और सेना रमा जय जयकार हुई हनुमान जी महाराज री माता री खोज कर आया बोले महाराज जी महाराज की और भगवान राम जी ने समाचार सुने हनुमान जी महाराज के रावण की गढ़ लंका बनका दी खायु सीता मा तरणों में लगा वे ध्यान रट रही सुरेदात सेना को सजाए करती जल्दी चालो रघुनाथ हे महाराज माता सीता बड़ा भारी दुखी है तो कह सुन के बचन रघुनाथ ने हर सकिया रे सेवन अठारह दल सभी को हुक्म दिया और कवि के पिता राम कत गावे प्रभु जी का शरण लिया तो भगवान राम जी हनुमान जी का वचन सुन करके अक्षौणी सेना तैयार करी सेत बंद रामेश्वर थरपियो नल नील नावर दो बंदर बन बुलाया पर आज सु पत्थर ने माता राम रो नाम लिखायो और भी पत्थर पानी में छोड़े तो पानी में पत्थर तिर जावे है और बड़े शंकर भगवान जी की पूजा करवाई है और बांद्रा सहित सेना सहित भगवान राम जी लंका रमा आकर के और डेरो लगायो समुद्र किनारे और अंगद जी ने जो शांति दूत बना करके भेजे तो अंगद रावण की सभा रमा आवे तो रावण कोई प्रकार आसन दियो कौन तो अंगद जी महाराज आप पड़े पूछ ने जो यो गोल
गेड़ी बना और दो फुट रावण ऊंचा बैठा जन बट रावण ने रीछ भी आई और रावण कई दाव पेच करिया क्यों थारे पिता और मार भी मित्रता ही बाली ने और मारे और थारे पिता बाली ने जो भी राम जी खुद मारियो और तू मारी सेना रमा क्यों ए महाराज राजनीति रा दाव पेच है भी क्यों तो जो भी है तू मान ले मतलब ठीक है रावण ने माने है तो अंगद जी माथे प्रहार करने वास्ते रावण ऑर्डर दियो है बीटीएम अंगद जी महाराज आप लोग चरण है जो स्थापित करियो है सबा रमा बोले मारो ओ जो चरण है जगन थिया तू ला दे पग ने जन महाराज धन मान ले योदा है हाँ सीता हार जाऊं महाराज और बचन है जो हनुमान जी महाराज भगवान राम जी ने अंगद जी बिन पूछे है जो दे दियो महाराज क्योंकि तो पूर्ण विश्वास हो बलदेव जी मान पावर हो मान करने पूर्ण विश्वास हो जन योदा भट मा भट बड़ा बड़ा योदा है जगह महाराज खपिया बाकी वो है जो चरण है यू कोनी जई रावण आप आयो अरगा बन अंगद जी पग हटा लियो और चरणों में पड़े नोरा काटो बैठा बाप भगवान राम जी पड़े निकल प्रभात महाराज तो अब महाराज युद्ध की तैयारी हुई और विभीषण जी महाराज बहुत समझायो और विभीषण जी ने रावण है जो बटू चरण दो प्रहार करके और निकाल दियो और विभीषण जी महाराज भगवान राम जी सेना रमा आया और प्रथम दिन युद्ध रे मां लक्ष्मण और मेघनाथ रहे जो वो युद्ध हो तो मेघनाथ की शक्ति लागी लक्ष्मण जी रे तेरे सेना में सन्नाटो मच गयो हनुमान जी महाराज रात रात में उत्तराखंड में जा द्रोणागिरी पर्वत ले आया और संजीवनी बूटी का लक्ष्मण जी का प्राण बचाया और दूसरे दिन युद्ध रे मां लक्ष्मण जी महाराज मेघनाथ ने खत्म करियो भगवान राम जी कुंभकर्ण ने खत्म करियो और बीच में बांदर सेना है जगी पूरी लड़ती रही रावण की सेना और रावण ने कई बार भगवान राम जी आता हूँ मारियो प्रभु पाछो है जो सर्जित हो जन महाराज विभीषण भेद दियो बोले दुष्ट ना भी अमृत रो कुंभ है और जितने महाराज वो अमृत नहीं सूखी जितने वो है जो वो मरे को है जन भगवान राम जी बड़े 31 बाण एक ही साथ चलाया 20 भुजा में दस मस्तक में 30 और 31 बाण नाभि में चलायो और जो अमृत रो कुंभ सो गयो रावण जी है जगी जय जय सियाराम मृत्यु हुई और भगवान राम जी जीता भी आत्म भगवान राम जी ने दुष्ट मरिया बारी सबरी है जगी गति करी और सीता जी ने लेकर के और भगवान राम जी 14 वर्ष बीता अवध आया और भगवान राम जी रे जो महाराज अयोध्या में अपनी बारी खुशी की लहर वही और भगवान राम जी ने राज तिलक होयो और प्रथम तिलक वशिष्ठ जी महाराज करियो और ब्राह्मण लोग भगवान राम जी ने आशीर्वाद दी और भगवान राम जी 11,000 वर्ष अयोध्या रो राज करियो और बाबा तुलसीदास जी महाराज लिखे है अरे सीता रे राम ओ सिंहासन बैठा भाई आ लक्ष्मण समझ डोलाय रे राम जी सीता राम सिंहासन बैठा हे लक्ष्मण समझ डोलाय ओ राम जी लक्ष्मण समझ डोलाय और बाबा तुलसीदास जस गाए अरे के अवध में साधु आनंद भयो मारे घर आया है लक्ष्मण राम सीता और राम
पुरी में साधो आनंद भयो अयोध्या नगरी फूल रही। उलिशिया पति रामचंद्र भगवान की, बाबा श्री हनुमान जी महाराज की, पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, भारत के ऋषि मुनियों की।